गोपाल कह रहा भाई इस पोस्चर को अटेंड करें और रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, पोस्चर के साथ करवाएं ताकि वो उसको और ज्यादा एंड्योरेंस पे काम करना पड़े। वो आपको बता रहा है भाई ऑटोमेटिक रिएक्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिएक्शंस की जैसे मैंने बात की है कि थोड़ा सा आगे होकर बैठो, अब ये बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इनसे बात करें, बात करो, अब ये बात कर रहे हैं इनसे, तो मैं जो है ना किसी वक्त यूँ खींचूंगा ना, ये मेरी तरफ आ जाएंगे, ध्यान कहीं और है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है कि आप हाथ को खींचते हो तो बाकी की बॉडी उसी डायरेक्शन में जाती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर इसी ऑटोमेटिक रिएक्शन को वर्बल कमांड के साथ एक्टिवली यूज किया जाए तो हम रीएजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। वो बात ओवरऑल अप्रोच करके जो है वो कह रहा है विजुअल को भी देखो, प्रोप्रियोसेप्शन को भी देखो और सोमैटो सेंसरी रेफरेंसिंग को भी देखो कि अंदर जो स्ट्रेच हो रहे हैं वो भी फील करवाओ, सारी चीज़ों को फील करवा रहा है। तो यहाँ पर आप क्योंकि पॉस्चर यूज कर रहे हैं, पॉस्चर के साथ करना जो ना मुश्किल होता है रेपिटेशन, आप चार से पांच भी कर लेंगे उस पॉस्चर को अटेंड करते, फॉर एग्जाम्पल मैंने कमर को भी सीधा रखना है, ऐसे भी सीधा करना, फिर हाथ को, अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे आप, तो मैं उसको उठा के रखूंगा ताकि मैं पॉस्चर मेन जो है ना पूरा सिस्टम को सही करना है, तो मैं उसको उठा के रखूंगा, पॉस्चर को सही करवाऊंगा, काम यहाँ पर हो रहा है इसको सही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। yes. तो ये चीज़ जो है ना वो बात यूज कर रहा है कि बेसल सपोर्ट को क्लियर करे, स्ट्रेच जो आ रहे हैं बॉडी में फील करे, सेंसरी इनपुट बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, इन्वायरमेंट का रोल हो, अगर टच की ज़रूरत है तो वहाँ पर टच दिया जाए, टच की ज़रूरत नहीं है तो टच नहीं दिया जाए। उसने अपने की पॉइंट्स बताए हैं अलग से, जैसे वो बात के मैंने शायद आपको पहले बताए हैं कि यूज़ करते हैं डिस्टल की पॉइंट, ये भी डिस्टल की पॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल की पॉइंट्स हैं शोल्डर के लिए, ठीक है, ये सेंट्रल की पॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल की पॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल की पॉइंट है, हेड को यूज़ कर रहे हैं आप, नी को यूज़ कर रहे हैं डिस्टल की पॉइंट है, फुट को आप यूज़ कर रहे हैं डिस्टल की पॉइंट, बॉडी से दूर है तो डिस्टल की पॉइंट, ठीक है, इन एरिया से टच का रिस्पॉन्स लिया जा सकता है, क्या जब भी मैं टच करूँगा तो हल्का सा बस पुश करना है और ये एक्सटेंड करने लगेगा, आप कहीं और से करेंगे ना तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, आपने अगर सेंट्रल की पॉइंट किया है और उसको हल्का सा जस्ट पुश किया पीछे की तरफ, खुद से वो करने की कोशिश कर, उनको डायरेक्शन मिल गई। इसी तरीके से अगर मैं हाथ को उठाता हूँ, हाथ को उठाऊँगा तो ये एक्सटेंशन मिल रही है थोड़ा सा स्पाइन में, पॉस्चर को सही कर रहा हूँ, एक के साथ पूरा सिस्टम चल रहा है, सिस्टमिक अप्रोच है, वो बात कहता है सिस्टमिक अप्रोच है कि एक जॉइंट को आप मूव करोगे उसके रिलेशन में दूसरा जॉइंट ऑटोमेटिकली मूव होता है, जैसे मैं खींच रहा था तो आप जैसे एक को मूव करोगे तो दूसरा जो एरिया होगा, दूसरे सेगमेंट्स होंगे ऑटोमेटिकली मूव होंगे उसके साथ, दोनों लिम्ब को कर दूंगा तो एक्सटेंशन में जाएगा थोरैसिक स्पाइन, और डिस्टल की पॉइंट यूज किया हुआ है, जितनी कम असिस्टमेंट देनी है उतनी जो जितनी कम असिस्टेंस देनी है उतना ही दूर से आप पकड़ेंगे, जितनी ज्यादा असिस्टेंस देनी उतना ही करीब से आप पकड़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूंगा एक्सटेंशन, ज्यादा असिस्टेंस देनी है थोड़ी सी कम कर दी, यहाँ से कर दिया लैटरल रोटेशन करूंगा, शोल्डर पे एक्सटेंड हो जाएगा, एल्बो से पकड़ा कम, यहाँ से और कम करना, वर्बल कमांड में खुद से हाथ उठा लूंगा। अगर ये आपने पेशेंट पर देख के डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या कब करना है, पेशेंट पे ये मुझे करना है कि नहीं करना, तो वो निकालते हैं हम